हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चेंज लाइफ हब में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ ESI से रिलेटेड कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें, जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से आपको अपडेट दिया गया है। तो चलिए मैं देरी करते हुए आपको इस बारे में बताता हूँ। देखिए, लॉकडाउन के चलते 21,000 रुपये से कम सैलरी पाने वालों के लिए सरकार ने 5 बड़ी घोषणा की है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बताते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह योजना लागू किया है। इसमें ESI का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक मुकदमा अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यानी जिसका भी ESI कार्ड बन चुका है उसके लिए जो है कि काफ़ी फायदेमंद है। जो भी लोग कंपनियों में काम करते हैं जहाँ पे 10 कर्मचारी वाले हैं काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका ESI बना होगा तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं बताता हूँ पांच इसकी नई क्या क्या हैं योजनाएं। लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पहले जो है कि मिलती रहेगी सभी सुविधाएं, यानी कि ESI ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एक मुक्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों को मेडिकल सेवाएं नहीं रोकी जाएंगी। यानी कि जो कि आपको सेवाएं मिलती रहेंगी, जो भी कंपनियां वार्षिक नहीं जमा कर पा रही हैं अंशदान, उनका भी जो है कि इलाज होगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, एक्सपायरी कार्ड का कर सकते हैं इस बार। यानी जिस जो कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके हैं और उनकी कार्ड की एक्सपायरी हो गई है, उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। तो देखिए, कर्मचारी अपने मेडिकल कार्ड के जरिए उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है, तो एक्सपायर हो गया है तो इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पुराने कार्ड पर ही सेवाएं ले सकते हैं। जो ESI कार्ड बना होगा उनके उनके पुराने ESI कार्ड पर ही उनको जो है कि इलाज किया जाएगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए तीसरे देखते हैं। बड़ी बात, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली जा सकती है दवाई। यानी कि जो ESI कार्ड है उसके जरिए भी हम प्राइवेट मेडिकल स्टोर से भी दवा ले सकते हैं। ESI ने कर्मचारियों का अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने को भी सुविधाएं प्राप्त की है, तो इनको प्राइवेट जो है कि मेडिकल स्टोर से भी वो दवा ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं, प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद ESI से खर्च किए गए पैसों को क्लेम कर सकते हैं। इसी में जिन कर्मचारियों की नियमित दवा चलती है लॉकडाउन में, वे अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ESI कार्ड के जरिए वो भी अपनी दवा जो है कि मेडिकल से ले सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए अगला देखते हैं, अन्य अस्पतालों से हो सकता है इलाज। चाहे वह ESI अस्पताल हो चाहे कोई भी हो, उसको COVID-19 अस्पताल में बदल गया है, जहाँ पर इलाज किए जाने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे नियमित तौर पर अस्पताल में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ESI ने कई अस्पतालों में समझौता किया है, तो इससे काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। तो चलिए लास्ट बात देखते हैं, पांच बड़ी कंपनियां कंपनियों को मिली राहत। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और देखिए, देश भर में किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि ESI की सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है फरवरी में 11.56 लाख नए मेंबर जुड़े हैं। इससे पहले जनवरी में ESI जो है कि 12.19 लाख नए मेंबर रजिस्टर्ड हुए थे। तो ये रहा आपके बारे में ESI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो आप इसका बहुत ही ध्यान रखिए, एक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें कि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिले। लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से उनके लिए एक काफ़ी फायदेमंद होगा जो है कि ESI, जिनका भी ESI बना हुआ है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप प्राइवेट स्कूल में स्टोर में जाके वहाँ से भी दवा ले सकते हैं, उनको जो है कि एक्सपायरी हो गया कार्ड तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका अस्पतालों में इलाज हो सकता है और कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।